नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं हम एडवांस एक्सेल एंड रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो आज के इस वीडियो में बड़ी छोटी सी बात लेकिन बहुत ही यूजफुल बात आपको हम बताने जा रहे हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि अपने डेटा में कस्टम लिस्ट की। हमारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैं बार बार किसी एक का नाम सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया पूजा और नीचे ड्रैग करते ही मेरे पास कई सारे लोगों का नाम का लिस्ट आ जाता है। तो पहले इसकी बेनिफिट समझते हैं और फिर समझेंगे कैसे होता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाकर डेमो क्लास का फॉर्म भर दें। तो बेसिकली ये लिस्ट आखिर आता कैसे है, तो इसका बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे लिस्ट है जिसको बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, बार बार आपको कहीं से टाइप करना पड़ रहा है, तो ऐसे लिस्ट जिसको आपको जरूरत पड़ती है उसका यूज कर सकते हो। इसका इस्तेमाल इसमें ही नहीं, हम शॉर्ट में भी करते हैं। जैसे कि अगर पहले बताते हैं इसको करते कैसे हैं, फिर हम शॉर्ट में कैसे करते हैं वो भी आपको समझाएंगे। तो उसके लिए आपको फाइल में मार के एक्सेल ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में आपके पास एडवांस कैटेगरी बहुत सारे, उसमें एडवांस कैटेगरी है और सबसे नीचे आएंगे आपको मिलेगा कस्टम लिस्ट। ये 2010-13-16 में है, अगर 2007 है तो आपको पॉपुलर में सबसे पहले ही दिख जाएगा कस्टम लिस्ट। अब यहाँ पे जैसे मैं प्रोडक्ट लिस्ट बना, सिटी लिस्ट बना रहा हूं, मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई पुणे, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, नागपुर, कानपुर, चेन्नई, पटना, जोधपुर। अब मैं इसको यहां से ऐड कर लिया। अगर लिस्ट आपको पहले से कहीं कॉपी पेस्ट है, यहां से दीजिए और उसको सिलेक्ट कीजिए और आपको इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैं इसी फाइल पे ही नहीं, किसी भी एक्सेल फाइल पे जाऊंगा और मान लीजिए पुणे लिखा और पुणे को ड्रैग किया तो आपका पुणे के हिसाब से आ गया। अगर मैं यहाँ पे जरूरी नहीं कि पुणे स्टार्टिंग, इसलिए मैं मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे पटना से भी स्टार्ट करूंगा तो पटना से आगे की लिस्ट जो है ड्रैग करके आ जाएगा। अब इसका बेनिफिट शॉर्ट में कैसे होता है, चलिए इस पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब इसके लिए हमें एक फाइल ओपन करना होगा जिसमें हमारा डेटा है। अब इसमें डेटा देखिए, मेरे पास डेटा है जिसमें मंथली है। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको यहां से शॉर्ट किया, शॉर्ट ए टू जेड, तो क्या होगा, अप्रैल पहले आएगा, जनवरी पहले नहीं आएगी। तो इसी में हम शॉर्ट करते समय, यहाँ शॉर्ट करते समय हम कस्टम लिस्ट में जाएंगे और यहां से कस्टम लिस्ट में मैं यहाँ पे जैन टैब सेलेक्ट कर लूंगा। अब इसी सीक्वेंस से मेरा शॉर्ट हो। उसी तरीके से मान लीजिए आपको कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग करना है या फिर आपका नेम है उस नेम के अकॉर्डिंग करना है, तो कस्टम लिस्ट में बनी हुई लिस्ट को सिलेक्ट कर ले या फिर न्यू लिस्ट में अपना सॉर्टिंग सीक्वेंस क्रिएट कर। ये होता है हमारा कस्टम लिस्ट जिसका यूज हम लोग अपने ऑफिशियल लाइफ में करते हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मेरे चैनल कहीं ढूंढ रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है तो आईपीटी इंडिया, जस्ट आईपीटी इंडिया सर्च करेंगे तो मेरे चैनल्स मिल जाएंगे। और मेरे साथ लाइव वन टू वन क्लासेस लेना चाहते हो जिसमें आपने ऑफिशियल प्रॉब्लम को, हर प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद करते हुए आप एक्सेल को सीखना चाहते हो, तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए एंड डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।